नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी बना के दिखाऊंगा। और ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी है। वैसे हम लिथियम फॉस्फेट भी बनाते हैं और लिथियम आयन भी बनाते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है, वो मैं किसी वीडियो में अलग बताऊंगा। लेकिन ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन है, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड पर, उन्होंने लिथियम आयन की ही डिमांड की थी। और उनकी डिमांड थी UPS के लिए, तो इसमें हमने कनेक्टर भी लगाए जो UPS में कनेक्ट हो जाएंगे, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इसमें जो टोटल 12 पीस सेल यूज़ किए गए हैं, साथ ही इसमें एक BMS वगैरह, और इसमें जो हीट सिंक वगैरह चढ़ाई है हमने प्रॉपर तरीके से, वो भी आप देख लेना आगे। और जो इसमें लगाई गई है निकल स्ट्रिप कनेक्शंस के लिए, वहाँ पे सोल्डरिंग नहीं की गई, वहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग की गई है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की, तो हम स्पॉट मशीन भी लेके आ चुके हैं जो स्पॉट वेल्डिंग करती है। स्पॉट वेल्डिंग से क्या है कि जो बैटरी है वो बहुत कम गर्म होती है, और अगर हम लिथियम बैटरी को कूल ही रखें तो ही वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे तो काफ़ी टाइम के लिए हमें सोल्डर आयरन जो उस पर टच कराना होता है, तब सोल्डरिंग होती है, तो बैटरी की जो है की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है थोड़ा सा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने प्रॉपर तरीके से स्पॉट वेल्डिंग की है, साथ ही यहाँ पे जो हमने फाइबर के जो वॉशर आते हैं इंसुलेशन के लिए, जो पॉजिटिव साइड पर लगाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से लगाए और इसको अच्छी तरीके से कवर करके बनाया है। पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, वीडियो देख लेना किस तरीके से बनाया गया है। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो वीडियो देख के खुद से भी बना सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई सामान लेना चाहते हो, जैसे सेल हो गया, BMS हो गया, स्पेसर, निकल स्ट्रिप, हीट सिंक, अपॉक्सी सीट, वायर वगैरह, कनेक्टर, ये सारा सामान हमारे मार्ट servmart.in पे काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा। जो आप साइड में देख रहे हो ये हमारा मार्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो डिस्प्ले पर शो रहा है, तो आप जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वगैरह दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस बैटरी को बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का सेल चाहिए। तो यह फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल 2000 mAh का सेल है, जिसका IR 19-20 है और वेट 44 ग्राम है। यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का मैं BMS यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्मार्ट BMS है, प्रॉपर तरीके से इसको जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल रखेगा। यहाँ पे निकल स्ट्रिप कनेक्शन के लिए चाहिए, और बैटरी का जो है फ्रेम बनाने के लिए इस टाइप के 18650 के सेल होल्डर, और बैटरी को कवर करने के लिए हीट सिंक स्लीप चाहिए। उसके बाद ये फाइबर के इंसुलेशन वॉशर हो गए, जो कि बैटरी के पॉजिटिव साइड लगेंगे। अब मैं यहाँ पे एक फ्रेम बना लेता हूँ बैटरी को कसने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए। और ये 4x3 का रहने वाला है, जिसमें 4 सेल हमारे पैरेलल होंगे और 3 सेल हमारे जो है सीरीज में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो इस पर वॉशर लगा लेता हूँ, ये इस टाइप के इंसुलेशन वॉशर जो होते हैं पॉजिटिव साइड, ये लगाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं है तो फिर आप, कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन हो तो लगा लेना अच्छी, इससे जो क्वालिटी बनती है बैटरी की और शॉर्ट सर्किट का जो चांस है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड लग जाता है। अब जितने भी पीसेस थे उस पर मैंने लगा लिया है, और यहाँ पे मैं इसको बैटरी को लगा रहा हूँ इस फ्रेम में। तो मैं एक साइड जो पॉजिटिव को ऊपर रख लेता हूँ, फिर नेगेटिव को ऊपर रखूँगा, और फिर पॉजिटिव को ऊपर रखूँगा। तो इससे क्या है कि हमारे जो सीरीज़ के कनेक्शन हैं वो काफ़ी आसानी से हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इनको सीधा सीधा जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज़ करूँगा, इस वाली का। ये काफ़ी अच्छी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, और मैं इसका यूज़ करता हूँ अब बैटरी बनाने के लिए। पहले मैं जो है सोल्डिंग कर देता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी बैटरी की, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग करूँगा। तो मैं ये 8 mm की निकली स्ट्रिप यहाँ पर मेजर करके कट कर लेता हूँ इसके हिसाब से, और अब मैं इसको जो है यहाँ पे रख के और स्पॉट इसकी शुरू करता हूँ। तो इसका एक पैडल होता है जिसको मैं पैर से प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ पैर से तो यहाँ पे ये स्पॉट कर देती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड जुड़ चुके हैं। उसके बाद ये दूसरी बैटरी का नेगेटिव है, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव अब एक पास रहने वाले हैं, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास हो गए, अब नेगेटिव नेगेटिव एक पास होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ये नेगेटिव्स के पॉइंट हैं मैं इन पर जोड़ता चल रहा हूँ, और हर एक बैटरी पर मैं 4 जगह जो स्पॉट करता हूँ, 2 प्रोब्स होती हैं, दोनों प्रोब्स को 2-2 बार करेंगे तो 4 जगह हमारी जो है स्पॉट वेल्डिंग हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से तीसरी बैटरी का जो पॉजिटिव है इस पर भी कर देता हूँ स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ पे ये तीसरी बैटरी के पॉजिटिव पे भी स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, आप देखो प्रॉपर तरीके से। और अब मैं बैटरी को पलट के दोनों साइड से स्पॉट वेल्डिंग कर लिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड हो चुकी है। अब करेंगे हम इसमें BMS फिट। तो यहाँ पे मैं BMS ले रहा हूँ, और ये मैंने जो एक्स्ट्रा निकाली है स्ट्रिप, ये BMS को फिट करने के लिए है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सीरीज कनेक्शन और करने होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पीस कट कर लेता हूँ सीरीज कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने इस टाइप से रखी, और पहली बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी का नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से प्रॉपर तरीके से ये जुड़ चुकी है।
और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और लूँगा, ये मैं तीन जगह इसमें जो है स्पॉट करूँगा अपनी बैटरी के सीरीज कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो बैटरी का लोड है वो इन्हीं तीन स्ट्रिप पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं तीन जगह लगा लेता हूँ, आप एक जगह मत लगाना, कम से कम तीन जगह तो ज़रूर ही लगाना, और चार जगह हो जाए तो और ही अच्छा है, लेकिन मैं तीन जगह कर देता हूँ, ये भी काफ़ी है, क्योंकि जो लोड है वो इन्हीं के ऊपर आने वाला है और तीन रहेंगी तो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं दूसरी बैटरी के पॉजिटिव तीसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, सेम उसी टाइप से जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाई है। तो ये जो तीन होंगी तो यहाँ पे हमारा जो एम्प्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हीटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक लगाओगे और अगर लोड ज़्यादा हुआ तो ये हीट होगी, और हीट होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है लिथियम बैटरी में, इसलिए आप तीन जगह तो लगाइए ही लगाइए। तो यहाँ पर मैंने तीनों जगह इस पर कर लिया है स्पॉट बेल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो स्ट्रिप निकली हुई है एक्स्ट्रा ये कनेक्शंस के लिए निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करा दूँ, यहीं पर हमारे कनेक्शन होंगे। इस बैटरी का जहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होगा उसको हम 0 वोल्ट मानते हैं, और यहाँ पे जो फाइनल होगा पॉजिटिव उसको हम 12 वोल्ट मान लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो 0 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, और यहाँ पे 7.8 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा फाइनल 12 वोल्ट, जो कि अभी 11.71 है, जो कि फुल चार्ज होने के बाद 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं BMS फिट कर लेता हूँ, और BMS पे वोल्टेज लिखे होते हैं, और मैंने आपको अभी वोल्टेज चेक करा दिए कि किस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं। मैं उस हिसाब से BMS को लूँगा जिस हिसाब से हमारे कनेक्शन अच्छी तरीके से हो जाएँ ईजीली, और इस पर मैं डबल साइड टेप लगा के यहाँ पर पेस्ट करके और इस पर जो सोल्डिंग कर देता हूँ यहाँ पे वायर का। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स फर्स्ट वायर है यानी कि 0 वोल्ट यानी नेगेटिव जो वायर है, और एक हमारा जो पॉजिटिव वायर है, यहाँ पे मैं 1 mm का हैविल्स कंपनी का कॉपर का वायर यूज़ करूँगा, बाकी पे आप नॉर्मल वायर यूज़ कर सकते हो जो 3.7 और 8.4 वोल्ट था, क्योंकि वो सिर्फ जो बीच वाले वायर हैं वो वोल्टेज सेंसिंग के लिए होते हैं, और जो ये 0 वोल्ट और 12 वोल्ट का जो वायर होता है या नेगेटिव पॉजिटिव आप इसको बोल सकते हो, ये होता है एम्प्स यानी कि फुल करंट को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी का हैवी वायर यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अच्छी क्वालिटी का वायर लगा देता हूँ जो कि 1 mm का है, बाकी ये जो दो वायर मैं बीच में लगा रहा हूँ ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इसका जो गेज है वो कम है। अब इसका जो फाइनल हमारा 0 वोल्ट का वायर है वो आ चुका है, और मैं इस 0 वोल्ट के वायर को भी यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पे जो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें इनपुट और आउटपुट के लिए जहाँ पे P- और P+ लिखा हुआ है यहाँ से दो वायर कनेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे P- पे मैं नेगेटिव और P+ पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं, और मैं इस हिसाब से मेजर करके और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट के निकाल देता हूँ। अब इसके ऊपर हम इंसुलेशन चढ़ाएंगे, तो इंसुलेशन के लिए मैं यहाँ पे पहले कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइप से कार्डबोर्ड मैंने ले लिया, इसको कट करके और यहाँ पर इसको मेजर करके कट किया है, और जो एक्स्ट्रा है फिर से इसको मैं कट कर देता हूँ, और फिर इस पर मैं जो थ्रेड टेप लगा के प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको फुली कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद अब मैं इसको जो है हार्ड टेप से चिपका दूँगा प्रॉपर तरीके से। और ये जो टेप होता है ये नॉर्मल टेप नहीं होता है, इसमें फाइबर के धागे डले होते हैं जो कि जलते नहीं हैं और ना ही ये टूटते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ये टेप होता है, खुलता नहीं है, एक बार लग गया फाड़ना या काटना ही ये टेप पड़ता है। तो मैं इस टेप से यहाँ पे पूरे वायर वगैरह को कवर करके और इस बैटरी को कवर कर देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो बैटरी कवर हो चुकी है हमारी, आप देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पे हीट सिंक लूँगा, और इस हीट सिंक को मेजर करके यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और अब इसको मैं हॉट एयर गन से पहले साइड से गर्म करूँगा, तो ये साइड से चढ़ जाएगी, और फिर इसके ऊपर मैं एक फाइनल हीट सिंक और चढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं डबल लेयर चढ़ाता हूँ क्योंकि इससे इंसुलेशन भी प्रॉपर हो जाएगा, और जो हमारी बैटरी है वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भी चढ़ा दिया है, ये फाइनल है, और मैं इसको गर्म कर देता हूँ हॉट एयर गन की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी गर्म हो चुकी है हॉट एयर गन से पूरी तरीके से। गर्म होने के बाद यहाँ पे जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको कट करके निकाल दूँगा, आप देख लेना बाद में जो बैटरी की फिनिशिंग वगैरह किस तरीके से आएगी। मैं इसको गर्म करके प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया हूँ यहाँ पर, और अब हमारी जो बैटरी है बिल्कुल बन के कम्प्लीट है। जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह है वो मैंने कट कर दिए, यहाँ पे दो कनेक्टर लगा दिए क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि वो उसको UPS में यूज़ करेंगे, तो अच्छी तरीके से ये UPS के कनेक्टर के साथ फिट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बैटरी जैसे ही कनेक्टर लगा दिए जो कि लेड एसिड बैटरी में होते हैं। और इसके जो बोल्ट है 11.74 आ रहे हैं, जो बैटरी बिल्कुल एकदम बन के कम्प्लीट है, वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।